राजू राजा राम फिल्म क्या फिर से बनेगी और इस फिल्म में किस हीरोइन को कास्ट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉली ब्रदर्स स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। हिंदी सिनेमा का दौर बदल चुका है और बॉलीवुड में हर तरह की फिल्म देखने को मिलती है, लेकिन सलमान खान को बॉलीवुड का सबसे दबंग खान माना जाता है। फिल्म को हिट करने के लिए सलमान खान का नाम ही काफी होता है। यही वजह है कि आज के दौर में बड़े बड़े डायरेक्टर सलमान खान के पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि सलमान खान उनकी एक फिल्म करने के लिए हाँ बोल दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान की कुछ फिल्में ऐसी हैं जो आज तक रिलीज ही नहीं हो पाई। डेविड धवन ने सलमान खान के साथ जुड़वा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं, जबकि डेविड के फेवरेट एक्टर हैं गोविंदा। डेविड धवन गोविंदा, सलमान खान और जैकी श्रॉफ के साथ राजू राजा राम बनाने की योजना पर काम कर रहे थे, लेकिन इस हैवी स्टार कास्ट के साथ उस समय उन्हें इस फिल्म के लिए कोई फाइनेंसर ही नहीं मिला और डेविड को अपनी प्लानिंग रोक देनी पड़ी। इसके बाद ही उन्होंने सलमान खान के साथ जुड़वा बनाई। जुड़वा में सलमान खान का डबल रोल था और ये फिल्म खूब चली थी। जुड़वा की कामयाबी के बाद अनीस बज्मी सलमान खान के साथ आंख मिचोली बनाना चाहते थे, लेकिन सलमान उन दिनों काफी व्यस्त थे। जुड़वा के बाद वो दोबारा फिलहाल डबल रोल करने के मूड में नहीं थे, इसीलिए इस फिल्म की प्लानिंग भी धरी की धरी रह गई। बाद में अनीस बज्मी ने सलमान के साथ नो एंट्री 2005 में बनाई थी, जो कि सुपर डुपर हिट रही। तो दोस्तों, सलमान खान ने हाल ही में संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह छोड़ दी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की भरपाई करने के लिए फिर से वो अपने बंद पड़े प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी पिछली बंद पड़ी फिल्म राजू राजा राम को फिर से रिक्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार इस फिल्म की स्टार कास्ट में कुछ बदलाव जरूर आएगा। सलमान खान और गोविंदा तो इस फिल्म में होंगे ही, लेकिन जैकी श्रॉफ की जगह कौन लेगा इस बात पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। और बात करें इस फिल्म की अभिनेत्रियों को लेकर, तो इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट नजर आएंगी कैटरीना कैफ और गोविंदा के अपोजिट नजर आएंगी सोनाक्षी सिन्हा, लेकिन जैकी श्रॉफ वाला रोल कौन करेगा इस बात पर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही ये नाम भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।